नमस्ते, स्वागत है आपका इस नई सीरीज में जिसका नाम है टैरो एनलाइटनमेंट सीरीज। इससे पहले भी जो है टैरो के ऊपर जो है डिफरेंट वीडियोस बने हैं, लेकिन टैरो कुछ ऐसी नॉलेज नहीं है जो कि स्टेशनरी है, जो कि एक बार आपने जो जान लिया और बात खत्म हो गई। जैसे जैसे आप उसमें गहरे जाते हैं, आपको पता चलता है कि उसके और भी मीनिंग्स हैं और भी उसमें गहराई है। तो मेरे देखे जैसे जैसे आप लाइफ में गहरे उतरते हैं, जैसे जैसे जो है आपके अंदर जो है एक मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे जो है कार्ड्स के मीनिंग भी जो है आपके लिए बदल जाते हैं। और कार्ड्स के अंदर वो सब चीज़ें आपको दिखने शुरू हो जाती हैं जो पहले नहीं दिखती थी, वो मीनिंग्स आपके सामने रिवील होने शुरू हो जाते हैं जो आपको पहले रिवील नहीं होते थे। तो हर कार्ड अपने आप में जो है एक पूरी स्टोरी, एक गहरी डेथ लिए बैठा हुआ है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जीवन में गहरे गए हैं। उसी के बेसिस पे जो है टैरो जो है आपको वो मीनिंग्स जो है वो रिवील करता है। ये नई सीरीज जो है मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसको मैं कह रहा हूँ टैरो एनलाइटनमेंट सीरीज, क्योंकि इसके अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि टैरो के अल्टीमेट मीनिंग्स, टैरो की अल्टीमेट डेप्थ आप लोगों को रिवील कर सकूं, आप उसको जान पाए और टैरो जो है आपके जीवन में एक एनलाइटनमेंट का काम करे, जिसको हम कहें बुद्धत्व, जिसको हम कहें कि एक गहरी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ जाए। ये टैरो कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ बौद्धिक नहीं है, बल्कि ये जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। तो टैरो की नॉलेज सिर्फ जो है सर तक ना रह जाए, ये आपके जो है दिल तक उतरे, कि टैरो जो है आपकी हड्डी मांस मज्जा बन जाए, कि टैरो जो है आपका जीने का एक ढंग बन जाए। तो इस सीरीज का यही एक प्रयास है कि जब टैरो को जो है जब आप गहरा समझना शुरू करें, जब आप उसमें गहरा जाना शुरू करें, तो आप ही टैरो हो जाए, आप ही टैरो बन जाए, कि एक दिन जो है कार्ड्स की जरूरत ही ना रह जाए, कि कार्ड्स जो है आपके अंदर जो है समा जाए, कि वो ज्ञान जो है वो सिर्फ किताबों तक ना सीमित रह जाए, बल्कि वो जो ज्ञान जो है वो आपके शरीर का एक हिस्सा बन जाए। पर्पस ये है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले कार्ड से, द कार्ड ऑफ द फूल से। कार्ड ऑफ द फूल को जो है जीरो संख्या से दिखाया जाता है, जो असीम संभावनाओं का प्रतीक है, और इसका टैरो कार्ड्स के अनुक्रम में कोई निश्चित स्थान नहीं है। ये मेजर अरकाना के शुरुआत में या अंत में आ सकता है। जीरो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जीरो अपने आप में जो है कुछ भी नहीं है, और लेकिन सब कुछ है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व है। जीरो अपने आप में जो है एक जर्नी को ही दिखाता है, जिसको हमने जो है द फूल की जर्नी कहा है। फूल को हमने जीरो क्यों कहा? क्योंकि फूल अपने आप में जो है एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे जीरो, वहां पे एक जीरो है, वहां पे एक जो है, वहां पे एक निरअहंकार की अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां पे अभी मन नहीं आया है, जहां पे अभी मन का कचरा नहीं आया है। मन क्या होता है? मन होता है जिसमें विचार हैं, संस्कार हैं, आपकी कंडीशनिंग है, आपके पैटर्न्स हैं, वो थॉट वेव्स हैं जो आपके आसपास हैं, वो ट्रेनिंग है जो आपको स्कूल कॉलेज से मिली, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली। तो मन को जब हम देखते हैं, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आप क्रिएट करते हैं अपने आसपास के माहौल से। और मन जो है जन्म से नहीं मिलता, मन का जन्म होता है जब आप संसार में प्रवेश करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर एक इनोसेंस होती है, उसके अंदर जो है एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें वो करप्ट नहीं है अभी, जिसमें उसने जो है अभी चालबाजियां नहीं सीखी हैं इस संसार की, जिसमें जो है वो अपनी पूरी तरह से अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है, अपने नेचर को फॉलो करता है। और ये इनोसेंस तब तक रहती है जब तक कि मन नहीं आ गया है। जैसे ही मन का प्रवेश होना शुरू होता है, वैसे ही जो इनोसेंस है उस बच्चे की वो खोनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये ऐसा होना ठीक भी है, क्योंकि वो जो इनोसेंस जो उसको मिली हुई है उस बच्चे को,
वो एक टेम्परेरी इनोसेंस है, वो खुद की इनोसेंस नहीं है, वो कमाई हुई इनोसेंस नहीं है, एक दिन उसने खोना ही है। असली इनोसेंस तब आएगी जिसको आप दोबारा से रिक्लेम करेंगे। अभी की जो इनोसेंस है वो बच्चे के दूध के दांत है जो कि टूटने ही है, और असली दांत वो है जब आपने जो है उस इनोसेंस को जो है रिक्लेम कर लिया। एक साधक, एक संत, एक वो व्यक्ति जो इस साधना के पथ के ऊपर चलता है, वो दोबारा से जो है अपनी इनोसेंस को जो है रिक्लेम करता है, और उस प्रोसेस को हम एनलाइटनमेंट भी बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बुद्धत्व भी बोलते हैं, और हिंदुओं में इसी प्रोसेस को द्विज कहा जाता है। द्विज यानी आपने अपने आप को जो है एक नया जन्म दिया, कि जब आपने उस इनोसेंस को जो है रिक्लेम किया तो एक तरह से आपने जो है अपने आप को एक नया जन्म दिया, आप द्विज हुए, आपका एक नया जन्म हुआ। तो फूल का जो जीरो जो है वो अपने आप में एक बहुत एक ब्यूटीफुल मीनिंग लिए हुए है। ब्यूटीफुल मीनिंग वो ये कि वो जो जीरो है उसी के अंदर जो है सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। जब फूल की जो यात्रा शुरू होगी और जब वो जो है 21 कार्ड तक पहुंचता है, जिसको द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, उसको दोबारा से जो है एक तरह से हम सर्कल की तरह दिखाते हैं। उस फिगर को जो है हमने दोबारा से एक सर्कल के अंदर ही दिखाया हुआ है, कि वो जो जीरो से शुरू होती है बात और जीरो पे ही खत्म होती है, लेकिन इस जीरो के अंदर जो है एक कंप्लीशन आ गई, इस जीरो के अंदर जो है एक कॉन्शियसनेस आ गई, इस जीरो के अंदर जो है आपका बुद्धत्व आ गया, आपका असली होना हो गया। जब यात्रा शुरू हुई थी तब वहां पे जो है आप नहीं थे, और लेकिन इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे प्रोसेस में, जैसे जैसे जो है आप 21 कार्ड तक गए, जब आप मेजर अरकाना की द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचे, वहां पे पहुंच के आपको जो है अपना असली होने का पता चला। ये जो कार्ड्स जो बीच में सारे के सारे कार्ड्स जो बीच में आए, ये सारे के सारे जो है माइलस्टोन्स हैं, ये सारे के सारे आपके ग्रोथ के माइलस्टोन्स हैं। इन सब से आपने कुछ सीखा, इन सब से आपने जो है कुछ ग्रो करा, इन सब से आपने कुछ सीखा। तो ये जो प्रोसेस है ये कुछ ऐसा है जिससे हर कोई गुजरता है। जब भी कोई भीतर की यात्रा शुरू करता है तो वो फूल की तरह ही शुरू करता है, और जब उसका प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है वो कार्ड ऑफ द वर्ल्ड की तरह कंप्लीट होता है। तो ये जीरो से हीरो तक की यात्रा है, इस जीरो के अंदर जो है हीरो छुपा हुआ है, और इसी हीरो को जो है आपने उघाड़ना है, इसी हीरो को आपने पहचानना है, इसी हीरो को जो है आपने अस्तित्व में लेके आना है। और जिस दिन आप उस हीरो को जो है अस्तित्व में लेके आते हैं, वो दिन ऐसा होता है कि जब आपका असली गीत जो है वो व्यक्त होना शुरू हुआ, वो एक्सप्रेस होना शुरू हुआ। और जब तक कि वो एक्सप्रेशन नहीं आता, जब तक कि आपके भीतर के फूल जो है उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं शुरू कर दिया, आपके भीतर के गीत को आपने जो है गाना नहीं शुरू कर दिया, आपने अपनी ऊर्जा को व्यक्त करना नहीं शुरू कर दिया, तब तक जो है भीतर एक अधूरापन रहेगा, भीतर जो है कुछ ना कुछ खोखलापन रहेगा। भराव तब शुरू होता है जब आप अपने गीत को गा पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने उस भीतर के संगीत को जो है बाहर गा पाते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि ये किसी के सामने गाना है या किसी के सामने एक्सप्रेस करना है। ये कोई ऐसा फूल है जो जंगल में खिले और शायद किसी को पता भी ना चले, लेकिन उसका खिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, शायद कोई भी ना देखे, लेकिन उस मोर ने नाच के जो है अपनी संभावना को व्यक्त किया, अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो उसने अपनी जो है प्रकाष्ठा जानी, उस प्रकाष्ठा को जो है उसने एक्सप्रेस किया अपने पंखों को खोलकर। और यही पोटेंशियल जो है तुम में भी है, कि तुम भी अपने भीतर के उस मोर को, उस भीतर की पोटेंशियल को, उस भीतर के हीरो को एक्सप्रेस कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार जो है अक्सर ये बात बोलता हूं कि ये शरीर जो है बहुत लिमिटेड समय तक हमारे पास है, और इस लिमिटेड समय में अगर तुमने जो है अपने आप को नहीं जाना, अगर तुमने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, तो जीवन से जो है बहुत दुखी होकर जाना पड़ेगा।
तो इस मौके को छोड़ना मत, इस मौके को जो है पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेना अपने अपने आप को जानने के लिए, अपनी पराकाष्ठा को जानने के लिए, अपने अपने भीतर बैठे बुद्ध को जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि तुम बुद्ध हो, कि तुम अपने आप में इतने कंप्लीट हो कि जिनको तुम अपना आइडल मानते हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो मोहम्मद हो, ये सब पोटेंशियल जो है तुम में छुपी हुई है, और तुम्हारा फूल तुम्हारे ढंग से खिलेगा, तुम्हारा होना अपने ढंग से होगा। जीवन एक मौका है, जीवन मौका है उस भीतर के महामानव को जो है एक्सप्रेस करने का, उसको जो है उघाड़ने का। इस मौके को ऐसे ही मत जाने देना, इस मौके को जो है इस मौके को जरूर जी के जाना, और ये सब संभावना तुम में है। वो जो टूल्स और सिचुएशन जो एक तरह से बुद्ध के पास थी, वही सिचुएशन और टूल्स जो है तुम्हारे पास भी है, लेकिन डिफरेंट ढंग से है। ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा, ये तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस को जो है उजागर करना पड़ेगा कि तुम देख सको कि कैसे तुम अपने उन टूल्स और उस सिचुएशन को यूज कर सकते हो अपने आत्मज्ञान को जो है उघाड़ने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। तो इस जीरो के अंदर जो है पूरा राज छुपा हुआ है, इस जीरो के अंदर जो है एक हीरो छिपा हुआ है, उसको जरूर जानना है। इसलिए मेजर अरकाना की शुरुआत होती है उस कार्ड ऑफ द जीरो से, और जीरो जो है कुछ और भी उसके खास बात है कि जीरो जो है इंडिया ने इन्वेंट किया। बाकी के जो नंबर्स हैं वो शायद दूसरे देशों से आए, लेकिन जो असली जो अंक है वो कहीं ना कहीं भारत से आया वो, और भारत कहता है कि जीरो के अंदर जो है सब राज छिपे हुए हैं। ये जीरो ना होता तो गणित ना होता, ये जीरो ना होता तो अध्यात्म ना होता, ये जीरो ना होता तो शून्य क्या है उसकी समझ ना होती। ध्यान में एक अवस्था है जहां पे जो है आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, और बिल्कुल जो है एक ऐसी अवस्था में हो जाते हैं जहां पे कोई भाव नहीं, जहां पे कोई विचार नहीं, उस अवस्था को जो है हम शून्य कहते हैं। ये शून्य अवस्था जो है बुद्ध का दिया हुआ है, ये शून्य जो है ये बुद्ध की भाषा का जो है एक हिस्सा है। उन्होंने एक बड़े सुंदर ढंग से एक बात कही कि अगर मुझे जो है उस स्टेट को जो है अगर एक्सप्लेन करना है, उस ध्यान की स्थिति को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए मैं कोई भी शब्द इस्तेमाल करूंगा तो वहां पे जो है कुछ ना कुछ जो है कमी रहेगी। वहां पे जो है आप कभी भी कोई ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे जहां पे आपको लगे कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल गई, कि आप ये कह सकें वहां पे कि एक भराव है, वहां पे खिलावट है, वहां पे प्रभु का जो है पूरा का पूरा जो है साम्राज्य है। तो बुद्ध ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बुद्ध ने इस्तेमाल किया शून्य का, एक नेगेटिव भाषा का। बुद्ध ने कहा वहां सिर्फ एक शून्य है, वहां पे कुछ नहीं है। उनका मतलब नेगेटिविटी से नहीं था कि वहां पे आपको कुछ नहीं मिलता, वहां पे सिंपली जो है वो शून्य का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात को कहने के लिए कि वो एक ऐसी अवस्था है कि जहां पे कोई भाव नहीं है, जहां पे कोई विचार नहीं है, वहां पे तुम भी नहीं हो, वहां पे तुम्हारा अहंकार नहीं है। और जैसे ही तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हो जहां पे ये सब कुछ नहीं है, वहां पे पहली बार तुम्हारा असली होना जो है प्रकट होता है। वहां पे पहली बार तुम अपने भराव को जानते हो। इसलिए शून्य अपने आप में बहुत एक सुंदर जो है एक स्थिति है। जो व्यक्ति शून्य है वो कहीं ना कहीं अपने आप में पूरा भरा हुआ है। और एक और चीज जानने की है कि ये यूनिवर्स जो है खालीपन जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पे वैक्यूम नाम की आपको चीज नहीं मिलेगी, यहाँ पे एक्चुअल में जीरो नाम की कोई चीज है नहीं। तो जैसे ही आपके अंदर जो है एक जीरो की अवस्था क्रिएट होती है, एक शून्य की अवस्था क्रिएट होती है,
उसी समय जो है पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस जो है, पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है उसको भर देना चाहता है। और भरेगा किससे? यहां पे परमात्मा के अलावा और कोई चीज नहीं है। आपने जैसे ही अपने अहंकार को विदा किया, वैसे ही आप जो है, वैसे ही आपके भीतर जो है परमात्मा जो है भटना शुरू हो जाता है। तो शून्य होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा राज है और एक बहुत ब्यूटीफुल घटना है। हम आते शून्य से हैं और शून्य की तरह हमारी यात्रा शुरू होती है, और इस शून्य को हम बीच में खो देते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इस शून्य को दोबारा से जो है हम इसको पा लेते हैं, दोबारा से जो है हमारे भीतर उस शून्य का जन्म होता है। तो ये फूल की यात्रा जो है उसी शून्य में वापस जाने की यात्रा है, कि ये जानने की यात्रा कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। ज़ेन फकीर अक्सर इस बात को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें अपना असली चेहरा पहचानना है, कि कौन सा चेहरा तुम्हारा असली है। वो बोलते हैं असली चेहरा तुम्हारा वो है जो जन्म से पहले था और इस जन्म के बाद होगा। वो सिंपली एक बात को कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति जहां पे तुम्हारा अहंकार नहीं है, वो ही स्थिति कुछ ऐसी है जहां पे तुम जो है अपना असली चेहरे को डिस्कवर कर पाते, अपने असली चेहरे को जान पाते। और इस इनोसेंस के बारे में जो है जीसस क्राइस्ट ने बहुत ब्यूटीफुल बात बोली है। उन्होंने बोली है ओनली चिल्ड्रन लाइक कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। वो कह रहे हैं कि वही लोग मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे जो बच्चे जैसे हैं, और बच्चे से उनका मतलब जो है वो इनोसेंस से है। तो अगर आपके भीतर जो है वो इनोसेंस है, आपकी जो इनोसेंस है वो आपको प्रभु के साथ जोड़ती है। जैसे ही इनोसेंस आपकी लाइफ से गई, वैसे ही जो है प्रभु भी आपकी जिंदगी से चला जाता है। हाँ, वो आपको संभाले रखता है, वो आपके साथ फिर भी रहता है, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पाते, आप उसको देख नहीं पाते। आप उसका दर्शन तभी कर पाते हैं जब आपके भीतर जो है आपका जो दिल है ना, आपका जो दिल है वो अभी भी खुला हुआ है, अभी भी उसके अंदर जो है इनोसेंस है, अभी वो मर नहीं गया। इसलिए एक बच्चे की आंखों में जब आप देखते हो तो प्रभु की झलक मिलती है, क्योंकि वहां पे किसी तरह का कोई कपट नहीं है, वहां पे किसी तरह की कोई चलाकी नहीं है, वहां पे सिंपली जो है लाइफ जो है उसकी आंखों में जो है रिफ्लेक्ट होती है। और जैसा मैंने कहा कि एक संत जो है वो दोबारा से जो है उस इनोसेंस को जो है रिक्लेम कर लेता है। मेजर अरकाना को अक्सर फूल की जीवन यात्रा माना जाता है, और इसलिए फूल हमेशा उपस्थित रहता है और उसे किसी संख्या की आवश्यकता नहीं होती। जो कि मैंने पहले भी बात करी कि फूल अपने आप में कहीं ना कहीं कंप्लीट है, उसको किसी तरह की कोई संख्या की जरूरत नहीं। और फूल की सिर्फ सारी डिस्कवरी ये है कि कैसे जो है वो अपने भीतर के बैठे उस हीरो को जो है डिस्कवर कर ले। उस जीरो के अंदर एक हीरो छिपा हुआ है। तो फूल को उसकी यात्रा की शुरुआत में दिखाया गया है जिसमें असीम संभावना है। उसके पीछे उगता हुआ सूरज उसकी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। जब भी हमने कुछ जो है एक शुरुआत को कुछ दिखाना होगा तो सूरज अपने आप में जो है एक बहुत ब्यूटीफुल सिंबल है, एक सन जो है अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल सिंबल है, कि जहां पे जो है जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, कि जीवन अपनी पराकाष्ठा में उपलब्ध है, कि सब कुछ वहां पे नया है, कि सब कुछ वहां पे ब्राइट है, सब कुछ वहां पे प्रकाशवान है। इसलिए हम जो है फूल के पीछे जो है उस सूरज को दिखाते हैं, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिविटी का जो है एक सिंबॉलिज्म है सर। और वहां पे भी आप देख सकते हैं कि सूरज भी गोल है, जो कि अगेन एक शून्य की तरफ इशारा कर रहा है। वो सिंपली जो है एक तरह का सपोर्ट सिस्टम जो है वो एक तरह से फूल को दिखाया गया है, कि एक डायरेक्ट ऊर्जा, एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है उस ऊर्जा के स्रोत के साथ है, कि फूल को जो है डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है उससे, कि फूल की जो है डायरेक्ट इंस्पिरेशन जो है वो स्रोत से आती है, कि यहां पे बीच में जो है किसी भी तरह की रुकावट नहीं है।
इसलिए इस फूल के पीछे जो है हम उस सूरज को देखते हैं। फिर अगर इसके हम दिशा की बात करें, वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, जो अज्ञात की दिशा है, या कहें कि वो एक आकाश या आत्मा की ओर देख रहा है। तो जिस तरह का भाव है उस फूल के अंदर, वो भाव कुछ ऐसा है कि जहां पे जो है वो कि वहां पे कोई किसी तरह का कोई एम नहीं है, उसको कुछ पाना नहीं है, वो अपनी एक गहरी मस्ती के अंदर है। उस गहरी मस्ती में जो है वो उस अज्ञात को देख रहा है, वो शून्य के साथ जुड़ा हुआ है। उसका कोई एम नहीं है, उसने कुछ सोच नहीं रखा, लेकिन बस चीजें उसके लिए हो रही हैं, चीजें उसके लिए घट रही हैं। और ये यहां पे जो है एक गहरी एक इसके अंदर जो है एक मैसेज है आपके लिए कि अगर आप उस जीवन के स्रोत के साथ जुड़ जाएं, उस अज्ञात के साथ जो है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है जुड़ जाए, तो आपको कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है। वो क्षण कुछ ऐसा है जब प्रभु आपके अंदर आ जाता है, जब प्रभु आपके भीतर बैठा होता है और वही डिसाइड करता है कि आपके लिए आपको कहां लेके जाना है, कि आपके साथ क्या होना है, कि आप अपने आप को बीच में से निकाल लेते हैं, कि आप अपने अहंकार को जो है बीच में से छोड़ देते हैं और चीजें जो है आपके लिए घटनी शुरू हो जाती है। यही घटना जो है उस फूल के साथ घट रही है। फूल होना अपने आप में एक बहुत सुंदर घटना है। ये ऐसी घटना है जहां पे चीजें जो है आपके साथ बस हो रही हैं। अक्सर जो है मैं इस फूल का एग्जांपल जो है इस मूवी के साथ लेता हूं जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप। अभी फॉरेस्ट गंप को जो है हिंदी में जो है कॉपी किया गया है, जो कि आमिर खान की फिल्म है लाल सिंह चड्ढा। जिसने भी ये फिल्म देखी है तो वो थोड़ा समझ सकता है कि फूल की यात्रा कैसी है। ये पात्र कुछ ऐसा है जो कुछ भी अपनी लाइफ में प्लान नहीं करता और उसके साथ जो है चीजें घट रही होती हैं। जब भी आप चीजों को जो है अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में होने के लिए, कि जो भी डिवाइन का जो प्लान है अगर आप उसको अलाउ कर देते हैं होने के लिए अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से एक भार चला गया। आपने क्या देखा, आपने क्या समझा कि कितना आप कैलकुलेट करते हैं अपनी लाइफ को, कितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्या कभी कुछ कंट्रोल होता है? क्या कभी कुछ हाथ में आता है? हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। कितनी बार आप सोचते हैं कि मेरे को ए डायरेक्शन में जाना है, लेकिन ए के बजाय जो है सी या डी या बी कहीं और चले जाते हैं। कि लाइफ जो है अपने आप की लाइफ जो है वो डिसाइड करती है कि उसने आपको ले कि उसने आपको कहां लेके जाना है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत बार अगर कभी आपकी चल जाए और आप वहां चले जाए जहां आपको जाना था, उसके बजाय जहां पे अस्तित्व आपको लेके जाना चाहता था, तो भीतर जो है एक दुख का जन्म होता है। क्योंकि अब आप अपनी संभावना को नहीं जी रहे, अब आप वो जी रहे हैं जो आपके दिमाग के ऊपर है, जो आपके मन में जो बात जो आपके मन में थी वो आपने करी। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो है जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पे गुरु बात करते हैं कि दो तरह की स्थिति है, एक है गुरुमुख और एक है मनमुख। जब आप अपने उस गुरु की तरफ आपका मुख होता है, जब आपका मुख जो है उस अज्ञात की तरफ होता है, जब आपका मुख जो है उस अस्तित्व की तरफ होता है, तो आपकी यात्रा जो है सुखद होती है। आपकी यात्रा जो है एक लॉ के अकॉर्डिंग चलती है कि जीवन के जो गहरे नियम है वो आपको समझ आने शुरू हो जाते हैं, वो आपके साथ जो है घटना शुरू हो जाता है। और दूसरी स्थिति ऐसी है जिसको हम कहें मनमुख, कि मन के विचार, कि मन से निकले हुए प्लानिंग, कि मन से निकले हुए आपके उद्देश्य, जब आपने मन को फॉलो करना शुरू किया तो आपने एक विचार को फॉलो करना शुरू किया और वहां पे जो है आप और वहां पे जो है आपका होना नहीं है। आपका होना विचार में नहीं है, आपका होना जो है गहरे भाव के अंदर है। और उससे भी गहरा जो आपका होना है वो एक ऐसी स्थिति में है जो आपका शून्य है, जो आप जिसको हम फूल का शून्य भी कहें। तो फूल की जो आंख है
वो उस गहरे अज्ञात की तरफ है, उस गहरे अज्ञात की तरफ जो है आपको यात्रा करनी है, और उस गहरे अज्ञात से जो है आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। और जब आपकी जो है उस और जब आप उस अज्ञात के साथ जुड़ जाते हैं, जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उस अज्ञात के साथ जुड़ जाती है, तो हर तरह का जादू आपके जीवन में जो है घटना शुरू हो जाता है। हर तरह की सुंदर घटनाएं जो है आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाती है। सब कुछ अपने आप ही जो है ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर वो स्थितियां जो है, चाहे वो बाहर स्थितियां वो ठीक हो या ना हो, लेकिन आपके भीतर जो है सब कुछ ठीक हो जाता है। कि आपके भीतर जो है एक बहुत ब्यूटीफुल जो है पॉजिटिविटी का जन्म हो जाता है। कि आपके भीतर जो है आपको दिखता है कि प्रभु जो है आपके भीतर बैठा हुआ है, प्रभु आपको चलाता है, प्रभु आपका आपका ध्यान रखता है, ही आपके जीवन की जो है देखरेख करता है। तो फूल का जो ये मैसेज, उसके साथ ये जो जुड़ा हुआ है, उसको भी समझना है कि अपनी जो नजर है उस अज्ञात की तरफ जो है जोड़ लो, अपनी फ्रिक्वेंसी जो है उसके साथ जोड़ लो, उस अस्तित्व के साथ जोड़ लो जो तुम, जिसने तुम्हें संभाला है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। और जिस दिन तुम अपने भीतर से उस टेंशन को, उस बात को जो है निकाल देते हो कि तुम्हें कुछ करना है, जिस दिन तुम उस चीज को ड्रॉप कर देते हो, उस दिन जो है तुम्हारा जीवन जो है खिलना शुरू हो जाता है। परमात्मा का जो प्रकाश है वो भीतर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम बीच में से हट गए हो, क्योंकि तुमने बस इतना किया कि तुमने अपने आप को बीच में आने नहीं दिया कि प्रभु का प्रकाश जो है वो खिड़की से आ रहा है, बस तुमने जो है पर्दा नहीं लगाया, तुमने उसको रोका नहीं, बस इतना ही करना है। उस प्रभु के मार्ग पे जब हम चलते हैं तो तुम्हें जो है उस प्रकाश को जो है अलाउ कर देना है कि वो प्रकाश जो है वो प्रवेश कर सके तुम्हारे भीतर, और प्रभु की किरणें जो है तुम्हारे भीतर से जो है उजागर हो सके। यही चीज जो है हम फूल के अंदर देखते हैं कि फूल जो है उस अज्ञात को देख रहा है, और वो तुम्हें भी इंस्पायर कर रहा है कि तुम उस अज्ञात को देखो, उस अज्ञात के साथ जो है अपना संबंध बनाओ। फिर हम देखते हैं वह भौतिक दुनिया में कदम रखने वाला है, लेकिन क्या वह तैयार है? उसके पास सभी उपकरण और संसाधन है जो उसे अपने स्टाफ पर बंदी थैली में चाहिए, लेकिन उसने अभी तक थैली नहीं खोली है। तो जब फूल की यात्रा शुरू होती है, तो फूल की यात्रा कुछ ऐसी है कि जब वो जो है प्रभु के साथ जो है उसका ऑलरेडी एक कनेक्शन है, अभी जो उसकी डोरी है वो अभी प्रभु के साथ जो है बंधी हुई है, अभी जैसे जो बच्चा जो है अभी भी नाभि नाल के साथ जो है जुड़ा हुआ है, कि अभी उस स्रोत से जो है अभी उसको भोजन मिलता है, लेकिन इस नाल को तो अलग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को जो है अपने पैरों पे खड़ा होना है, बच्चे को जो है संसार में प्रवेश करना है। और जब बच्चा जो है संसार में प्रवेश करता है तो वो क्षण कुछ ऐसा होता है कि जब वो रोता है, क्योंकि एक जो कनेक्शन जो उसका जो है प्रभु के साथ बना होता है वो टूटता है। तो फूल के साथ स्थिति कुछ ऐसी है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वो एक ऐसी स्थिति में बढ़ रहा है कि जहां पे जो है वो संसार में जो है प्रवेश कर रहा है, और जैसे जैसे वो संसार में आगे बढ़ेगा, प्रवेश करेगा, वैसे वैसे जो है उसकी जो इनोसेंस है, उसकी जो मासूमियत है वो खो जाएगी, उसका जो संतत्व है जो उसको जन्म से मिला है वो उसको खो देगा। और ये हर फूल के साथ ऐसा है, ये तुम्हारे साथ भी है, कि तुम भी जब जीवन में प्रवेश करते हो तो वो उस संतत्व के साथ करते हो, लेकिन जैसे जैसे उस संसार में प्रवेश करते हो तो वैसे वैसे जो है तुम्हारा संतत्व जो है खो जाता है, तुम चलाकी अपना लेते हो, बेईमान हो जाते हो, मन के विचारों के साथ घिर जाते हो, हर तरह की करप्शन, हर तरह का कूड़ा करकट जो है तुम में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का एक पार्ट है, क्योंकि ये जीवन और कुछ नहीं एक तरह का टेस्ट है। टेस्ट इस बात का, क्या तुम इन संसार में जब तुम इन सब चीजों से लिप्त हो, क्या तब भी तुम प्रभु को याद कर पाओगे? क्या तब भी तुम उस प्रभु के साथ जुड़ पाओगे? क्या तब भी तुम जो है उस प्रभु को जी पाओगे? सारी बात यही है कि तुम क्या चुनोगे, क्या तुम संसार चुनोगे या
या तुम प्रभु को चुनोगे। सारी की सारी बात यही है। तो जब शुरुआत होती है तब तो संसार से होती है, और संसार में तुम उलझ भी जाते हो, संसार में तुम लिप्त भी हो जाते हो, तुम्हारी वासनाएं, कामनाएं, तुम्हारे डिजायर्स, इन सब में तुम जो है खो जाते हो। और यही टेस्ट भी है। टेस्ट इसी बात का है कि क्या तुम प्रभु को तब भी याद कर पाओगे, क्या तुम जान पाओगे कि ये भी एक खेल है, कि इसको इतना सीरियसली नहीं लेना। इसके बियॉन्ड जो है, जो इसके पीछे जो इस खेल का रचयिता है, इस माया को जिसने बनाया है, उसके पीछे कौन खड़ा है, क्या उसको पहचान पाओगे? वो जो सिनेमा में जो पर्दा है जिसके ऊपर तुम वो जो फिल्म देख रहे हो, क्या तुमने उसको इतना रियल मान लिया है? क्या तुम उस प्रोजेक्टर को देख पाओगे जहां से वो फिल्म चल रही है? सारी की सारी जो साधना है वो इसी बात की है कि तुम उस प्रोजेक्टर को देख लो, कि तुम उस स्क्रीन को पहचान लो, कि तुम ये पहचान लो कि ये धूप छांव का खेल है, कि उस पर्दे पे कुछ नहीं है, उस पर्दे का जो स्रोत है उसको तुम खोजो। और जब तुम उस स्रोत को पहचानना शुरू कर देते हो, तब तुम संसार से भी मुक्त होना शुरू हो जाते हो, तब तुम अपने स्वभाव को जानना शुरू कर देते हो, उस प्रभु को जानना शुरू कर देते हो। इसलिए जीवन जो है एक खेल की तरह है। इस खेल के अंदर जो है इतने सीरियस मत हो जाना, इस खेल के रचयिता को पहचानना। और जब तुम उस रचयिता को पहचानना शुरू करोगे, तुम इस खेल से जो है बाहर आना शुरू कर दोगे, और तुम इस बात का सबूत दोगे कि इस खेल से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो प्रभु के साथ होना है। और तुम इस बात को रियलाइज करोगे कि इस खेल से भी ज्यादा जो कि तुमने जो है उस प्रभु को पहचाना, और उसके खेल खिलौनों से ज्यादा तुमने उसको चुना, कि अब उसके खेल खिलौने नहीं चाहिए, अब वो ही चाहिए। तो फूल जरूर जो है संसार में प्रवेश करेगा, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे जो है हम कार्ड्स की और गहराई में जाएंगे, तो ये सब बाधाएं, ये जो सब माइलस्टोन जो उसके रास्ते में पड़ते हैं, ये सब उसके लिए एक ग्रोथ का काम करते हैं। उसके अंदर वो कुछ सीखता है, और धीरे धीरे जो है वो उस खेल को पहचान लेता है, और फिर वो उस प्रभु को चुनता है। और दूसरा जो है, ये जब उसकी जो हम थैली देखते हैं, जो उसके साथ जो वो थैली लेके जा रहा है, इस थैली के अंदर वो सब कुछ है जिसके कारण जो है वो अपने आप को जान पाएगा, उस प्रभु के साथ जो है दोबारा से जुड़ पाएगा। अभी जो स्थिति कुछ ऐसी है, अभी फूल ने जो है वो थैली खोली नहीं है, और फूल थोड़ा अनजान भी है कि उसके पास ये थैली है, कि जिसमें वो सारे के सारे जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं, जिससे जो है वो अपने आप को जान सकता है। इस थैली के अंदर उसकी शक्तियां हैं, इस थैली के अंदर जो है वो सब काम का सामान है, जिसके कारण वो दोबारा से जो है अपनी इनोसेंस को क्लेम कर पाएगा। फिर हम उसके हाथ में जो है एक सफेद गुलाब देखते हैं, जो उसकी पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक है। सफेद अपने आप में एक कंप्लीशन है, सफेद के अंदर जो है सारे रंग समा जाते हैं। जब भी हमने पवित्रता को दिखाना होगा, जब भी हमने संतत्व को दिखाना होगा, जब भी हमने एक बच्चे की इनोसेंस को दिखाना होगा, तब जो है हम सफेद रंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सफेद गुलाब का मतलब हुआ कि सफेद की एक तो पवित्रता और मासूमियत होगी, और गुलाब का मतलब हुआ खिलना, कि एक ऐसी खिलावट उसके जीवन में घट रही है जो कि पवित्र है, और साथ में जो है मासूमियत भी है। ये हम उस फूल के अंदर देखते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं उसके पास जो है एक कुत्ता है जो उसके साथ साथ चल रहा है। उसके पास एक छोटा सफेद कुत्ता है जो उसकी यात्रा के दौरान उसकी रक्षा करेगा, और उसे उन सबक को सीखने के लिए प्रेरित करेगा जो फूल को यहाँ सीखने के लिए आए हैं। मैं अक्सर जो है इस डॉग को जो है एक तरह से गॉड की तरह देखता हूँ, कि कंपेनियन की तरह देखता हूँ। जब आप डॉग का उल्टा कर देते हैं तो वो बन जाता है गॉड। तो एक ऐसी स्थिति जहाँ पे जो है एक गॉड की जो है प्रेजेंस एक इनडायरेक्ट वे से जो है वहाँ पे अवेलेबल है। हम अक्सर जो है डॉग को बोलते हैं मैंस बेस्ट फ्रेंड, मैंस बेस्ट कंपेनियन। तो यहाँ पे जो है वो डॉग कुछ ऐसा है कि जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, जो उसको संभाल रहा है, जो उसका कंपेनियन है। फूल ने मांगा नहीं था, फूल ने चाहा नहीं था, फूल ने ना उसको लीश पहना रखी है, ना उसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो डॉग जो है, या फिर कहें गॉड, वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है।
वो उसको जो है गाइड करने की कोशिश कर रहा है। ये डॉग जो है एक इंट्यूशन का भी एक रूप है कि फूल की जो है एक गहरी जो है एक इंट्यूशन जो है जैसे वो डॉग के साथ जो है संपर्क करती है कि ये कुत्ता जो है एक भीतरी तल से जो है फूल को जो है गाइडेंस देता है, फूल को जो है रास्ता दिखाता है और फूल को सुरक्षा देता है कि अगर फूल जो है किसी ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहाँ से निकलना मुश्किल हो या फिर कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है तो वहाँ पे जो है ये डॉग या कहें गॉड वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हेल्प करता है उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। फिर हम देखते हैं फूल के पीछे के पर्वत विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उसे अपनी यात्रा के दौरान पार करना हो। तो माउंटेन्स की जब हम बात करते हैं तो माउंटेन्स अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे एक पीसफुलनेस है, एक तरह की इनोसेंस है। माउंटेन्स मेरे लिए जो है एक साइलेंस और एलोननेस का भी प्रतीक है क्योंकि अगर जब आपको ध्यान करना हो, जब आपको जो है प्रकृति के साथ एक होना हो तो पर्वत अपने आप में एक बहुत सुंदर सूचक है। जब भी आपको शांति और अपने साथ समय बिताना होता है तो आप पर्वत के बारे में सोचते हैं और जब हम फूल के पीछे जो ये जो पर्वतों को देखते हैं वो उसकी जो है एक साइलेंस को भी जो है डिनोट करता है। और यहाँ पे जो है जो पर्वत है वो पर्वत अपने आप में जो है उसके चैलेंजेस को भी दिखाता है कि फूल जो है इन सभी चैलेंजेस को पार करने की क्षमता रखता है या फिर वो सब चैलेंजेस जो हैं वो जो उसके आगे आएंगे। लेकिन जो अगर हम फूल की स्पिरिट देखें, जिस स्पिरिट के साथ जो है फूल चल रहा है उसको देख के ऐसा लगता है कि वो इन सबको पार कर लेगा, वो इन सभी माइलस्टोन के पार जा पाएगा। फूल के लिए अभी ये कोई चैलेंज नहीं है, फूल के लिए जो है ये सब खेल खिलौने हैं, फूल के लिए ये सब मस्ती है और उसी मस्ती में ये सब जो है घटनाएं घटेंगी कि वो इन सबको जो है पार कर लेगा। तो पर्वत दूसरों के लिए हो सकते हैं, दूसरों के लिए चैलेंज दिख सकता है लेकिन फूल के लिए कोई चैलेंज नहीं है, फूल के लिए ये बहुत सहज है, ये सब घटनाएं जो है उसके साथ घटेंगी और वो इन सबको पार भी कर पाएगा। फूल कार्ड संभावनाओं, नई शुरुआत और मासूमियत का प्रतीक है। ये कार्ड तुम्हारे जीवन में उच्चतम संभावनाओं को दर्शाता है जहाँ हर दिन एक नया रोमांच होता है और हर क्षण को पूरी तरह से जिया जाता है। एक बच्चे की नज़र से जब तुम देखते हो तुम्हें दिखता है कि जीवन कितना नया है, कितना रोमांचकारी है। एक बच्चे की आंखों में जब तुम देखते हो तो सब कुछ बहुत नया दिखता है, वहां पे कुछ भी पुराना नहीं है। एक छोटा सा पत्थर जब वो उठा लेता है रास्ते से, वो पत्थर भी जो है उसको इतना अट्रैक्ट करता है, वो पत्थर भी उसके लिए जो है, वो पत्थर भी उसके अंदर जो है उसको कुछ जादू की तरह कुछ दिखता है। वो जब उसकी शेप देखता है, उसके कलर्स देखता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी घटना है। ये तुम तब भी नहीं देख सकते जब तुम अपने डिजायर्स को पूरा करते हो। वो नज़र जो है बच्चे के अंदर है, वो नज़र जो है प्रभु की नज़र है। वो नज़र कुछ ऐसी है कि जहाँ पे बच्चा जो है एक आह के भाव के साथ भरा होता है कि ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल। इस भाव के साथ जब हम जीवन को जीते हैं तो जीवन कितना सुंदर हो जाता है, जीवन कितना मिस्टीरियस हो जाता है, तो जीवन का हर क्षण जो है वो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। कि लेकिन जीवन को तुम इस तरह से देखो कि यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, यहाँ पे सब कुछ जो है पुराना है। उस पुराने के साथ ही तुम्हारी भीतर भी कुछ ना कुछ मर जाता है, तुम भी मर जाते हो उस वक्त। तो ये फूल जो है तुम्हें रिमाइंड करता है इस क्षण में वापस आने के लिए, अपने रोमांच को जगाने के लिए, अपनी संभावना को देखने के लिए, नाव और हेयर में अब और यहाँ आने के लिए, क्योंकि अब और यहाँ में एक नित नूतन स्थिति है। जीवन जो है इस क्षण में जो है जन्म ले रहा है, उसको हम देख सकते हैं इस स्थिति में। फिर ये कार्ड नए अनुभवों, व्यक्तिगत विकास, विकास और रोमांच की आवश्यकता को दर्शाता है। ये तुम्हें एक नई यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करता है जो पूरी तरह से अज्ञात है और जो तुम्हें अनजान रास्तों पर ले जाएगी। कि जो यात्रा है, फूल का जो मार्ग है,
वो बिल्कुल कुछ ऐसा है कि जिसमें उसने कोई प्लानिंग नहीं की है। उसने बिल्कुल अपने आप को छोड़ दिया है कि जहां रास्ता लेके जाएगा मैं जाऊंगा, मैं कुछ भी जो है प्री प्लान नहीं करूंगा। जिसको हम कहें स्पॉन्टेनिटी, क्षणवाद, कि ये क्षण डिसाइड करेगा कि मुझे जो है कहां जाना है, कि नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना है, कि मैं अपनी तरफ से पहले से प्लानिंग नहीं करूंगा, कि मैं अपने अहंकार को बीच में नहीं लाऊंगा, मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलूंगा, कि मैं एक जिप्सी की तरह हो जाऊंगा। जिसको हम कहें खानाबदोष, खानाबदोष का मतलब होता है जिसका घर अपने कंधों पर, जो आज यहां कल वहां, कि जहां पे भी जो है प्रभु ले जाएगा, जहां पे भी जिंदगी ले जाएगी वो चला जाएगा, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच विचार के। भगवान बुद्ध तो ये बात करते थे, भगवान बुद्ध का तो निर्देश था अपने सन्यासियों को, अपने भिक्षुओं को, कि किसी भी स्थान पर जो है 3 दिन से ज्यादा मत रुकना, क्योंकि अगर तुम 3 दिन से ज्यादा रुक गए तो तुम अपना संसार बना लोगे, क्योंकि वो मन के स्वभाव को समझते थे। तो उन्होंने अपने सन्यासियों को एक बात कही थी कि 3 दिन से ज्यादा कहीं पर भी मत रुको। ये वो मार्ग है जो अज्ञात का मार्ग है, यहां पे जो है सिर्फ चलते जाना है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। और भगवान बुद्ध ने इसको जो है चरेवेती चरेवेती कहा है, कि इस यात्रा पे जब तुम निकल पड़े तो अब रुकना नहीं है, अब उस अज्ञात में जो है बढ़ते चले जाओ और इसका कोई अंत नहीं है। यही फूल के साथ घट रहा है, फूल भी उस अज्ञात की यात्रा पे निकल गया है और फूल तुम्हें भी उस यात्रा पर निकलने के लिए बोलता है, उस अज्ञात की तरफ, उस प्रभु की तरफ। फूल कार्ड तुम्हें विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये तुम्हें बताता है अगर तुम एक नई यात्रा शुरू करते हो तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। ये कार्ड तुम्हें दिल की सुनने और अपने पागल या मूर्खतापूर्ण लगने वाले विचारों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फूल को हम मूर्ख ही बोलते हैं। फूल को मूर्ख इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपनी दिल की सुनता है। जो अपनी दिल की सुनता है उसको तो हमने सदा से मूर्ख कहा है, और ये मूर्ख ही है जो प्रेम कर पाता है। इसलिए जो है हम अंग्रेजी में जो है उद्धरण करते हैं इस बात का कि only fools can fall in love, कि सिर्फ मूर्ख ही जो है प्रेम कर सकता है, क्योंकि मूर्ख जो है वो विचारों के साथ नहीं जुड़ा होता। एक विचारशील व्यक्ति को कभी प्रेम करते हुए देखा है? एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति क्या प्रेम में उतर सकता है? कभी सोचा है इसके बारे में? ये जो फॉलिंग इन लव की जो बात है, वो फॉलिंग इन लव की बात जो है सिंपली जो है सर से जो है हृदय में गिरने की बात है, कि तुम्हें अपने विचारों से जो है गिर के जो है अपने हृदय पे जाना है, तभी तुम प्रेम कर पाओगे। और प्रेम में जो है कोई विचार नहीं होते। जब भी तुम अपने हृदय के साथ जुड़े हुए तो दूसरा व्यक्ति जो बाहर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो अपने मन में है, उसके लिए तो तुम मूर्ख हो। वो तो तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करेगा, वो तो उल्टा तुम्हें जो है डिस्करेज करेगा, वो तो उल्टा तुम्हें कहेगा किन चक्रों में तुम लगे हुए हो। प्रभु के मार्ग पे चलना जो है एक पागलपन है, एक तरह की मूर्खता है, लेकिन ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है जो संसार में है। क्योंकि संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से संसारी सोचता है कि अरे किन चक्रों में लग गए, काम धंधा करो, पैसा कमाओ, पद प्रतिष्ठा पाओ, सक्सेसफुल बनो, ये सब कुछ जो है वो चाहता है। लेकिन जो अपने हृदय में जीता है उसको वो सब कुछ मिल जाता है जो संसार उसको दे सकता था। ये बात हमने जो है उन संतों और फकीरों के अंदर देखी, जो ऊपर से बिल्कुल पागल और मूर्ख लगते हैं लेकिन भीतर से जो है उन्होंने प्रभु को पा लिया है, उस प्रभु को जो है वो जी रहे हैं, उस प्रभु में वो पागल हो चुके हैं। तो फूल की गहराई में जब तुम जाओगे, तुम्हें अपने भीतर के पागलपन को भी जीना है, अपने भीतर बैठी मूर्खता को भी जो है स्वीकार करना है, अपने भीतर बैठी मासूमियत को जीना है,
तभी तुम जो है उस शून्य के मार्ग पर चल पाओगे, उस फूल के मार्ग पर चल पाओगे, उस मूर्ख के मार्ग पर चल पाओगे जो एक दिन जो है प्रभु से मिलता है। फिर ये कार्ड एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता को भी दर्शाता है। हालांकि हमेशा कहीं विकल्प उपलब्ध होते हैं और निर्णय को बुद्धिमानी से लेना चाहिए। अगर तुम किसी निर्णय या संदेह के क्षण का सामना कर रहे हो तो फूल कार्ड तुम्हें खुद पर विश्वास करने और अपने दिल की सुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऐसी बहुत बार स्थितियां हो जाती हैं जब ये कार्ड तुम्हारे लिए रीडिंग में आता है, तो बहुत बार ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पे जो है तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, जहां पे तुम डाउट्स, जहां पे तुम संदेहों से भरे होते। वो क्षण कुछ ऐसा होता है कि जब तुम्हें जो है अपने स्रोत के साथ जुड़ना है, अपने उस भीतर के हृदय के साथ जुड़ना है। जब तुम उस हृदय के साथ जुड़ोगे तो तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास होगा, अपने उस स्रोत के बारे में पता चलेगा जहां से तुम्हें ये सपोर्ट आता है, जहां से तुम्हें जो है रास्ता मिलता है। तो फूल कार्ड का आना तुम्हें जो है अपने संदेहों से मुक्त होने के लिए भी कहता है और अपने हृदय में दोबारा से स्थापित होने के लिए कहता है। फिर अगर तुम अपने जीवन में बहुत डर का सामना कर रहे हो तो ये कार्ड ध्यान करने के लिए तुम्हें जो है प्रेरणा देता है। फूल कार्ड साहस, जोखिम लेने और रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है जो तुम्हारे जीवन में नए क्षेत्रों को खोलने के लिए आवश्यक है। फूल कार्ड हमेशा संपूर्ण, स्वस्थ और बिना डर के होता है। ये हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है जो आश्चर्य, विस्मय, जिज्ञासा और प्रत्याशा के रूप में व्यक्त और अनुभव की जाती है। हमें कभी नहीं पता होता कि भविष्य क्या रखता है, लेकिन फूल की तरह हमें अंधाधुंध आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि हम जीवन का आनंद लेने और अनुभव में बढ़ने के लिए जन्मे हैं। जीवन की गाड़ी में अगर तुम बैठ गए, जब तुम्हारे जीवन की जो गाड़ी है जब वो चलनी शुरू हो जाए, फिर ब्रेक को जो है भूल जाओ, फिर उसको जो है जितना तुम एक्सेलरेट कर सकते हो पूरा का पूरा जो है एक्सेलरेशन के ऊपर जो है ध्यान दो। कितना जो है तुम गहरा जा सकते हो, कितना जो है तुम अपनी क्षमता को जो है उघाड़ सकते हो, उसको जी सकते हो। जीना चाहिए, जो कि बात मैंने पहले भी कही कि तुम्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने होने को जीना है। तो जिस दिन वो मौका तुम्हें आता है उस दिन रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है। चरेवेति। हालांकि मैं यहाँ पे बात जो है अध्यात्म की भी कर रहा हूँ तो मैं साथ साथ जो है थोड़ा बहुत संसार की बात भी करता हूँ। तो फूल कार्ड जो है, अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो फूल कार्ड अक्सर एक करियर पथ या नई नौकरी की शुरुआत का संकेत देता है। वह एक क्षेत्र हो सकता है जिसमें तुम्हारे पास कम अनुभव हो और तुम सीखने के लिए बहुत उत्सुक हो। ये एक ग्रेजुएट भूमिका या करियर दिशा में बदलाव की तरह हो सकता है जहां तुम पूरी तरह से नई दृष्टि से शुरुआत कर रहे हो। तो फूल कार्ड जो है वो हमारे को एक रिप्रेजेंट कर सकता है एक ऐसी स्थिति जहां पे जो है तुम एक नई जॉब या एक नए करियर को जो है शुरू कर रहे हो, और वो एक ऐसी स्थिति है जहां पे तुम्हें इतना अनुभव नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो प्रोत्साहन है, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, वो फुल लेवल पे है कि भीतर से जो है तुम पूरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ भरे हो और उसी पॉजिटिविटी के साथ जो है आगे बढ़ रहे हो और उसी के साथ जो है इस करियर की शुरुआत कर रहे हो। फिर फूल कार्ड जो है एक बिजनेस को भी दर्शाता है कि फूल कार्ड उद्यमशीलता की भावना का भी प्रतिनिधित्व करता है। नए विचारों और संभावनाओं से भरे हुए तुम एक नए उद्यम या व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित होते हो। तो जैसा मैंने कहा कि एक नया बिजनेस या एक नए करियर के लिए भी जो है ये फूल कार्ड जो है हमारे को जो है उसके अंदर जो है इशारा करता है। फिर इसके अंदर जो है एक चेतावनी का शब्द भी छुपा हुआ है। अक्सर जो है फूल कार्ड को जो है हम एक शॉर्टकट की तरह भी देखते हैं कि लोग जो है फटाफट जो है जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, कि तुम जल्दी अमीर बनने की योजनाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते हो जो तुम्हें उच्च और शुष्क छोड़ सकती है। इसलिए भारी निवेश करने से पहले अपना शोध अवश्य करें, जिसका सिंपली अर्थ ये है कि अगर तुम नई चीज़ों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो वहाँ पे जो है एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे जो है तुम्हारा पुराना अनुभव जो है वो तुम्हें हेल्प करेगा।
हालांकि फूल को इस बात की चिंता नहीं होती, अगर तुम फूल की स्पिरिट के साथ हो तो उस फूल की स्पिरिट के साथ बहुत सारी चीज़ों में जो है तुम आंख बंद करके कूद जाते हो, बिना परिणाम की जो है चिंता करे हो। और यहाँ पे फूल को कोई रिग्रेट भी नहीं होता, पीछे जो है पश्चाताप नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसका जो हर क्षण जो है वो प्रभु के साथ जो है जुड़ा हुआ है और प्रभु उसके साथ हर क्षण है, इसलिए उसको जो है इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि उसका पैसा भी डूब जाए। तो फूल द्वारा दर्शाया गया व्यक्ति अविस्मरणीय और अपरंपरागत होता है, उनका सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तुमसे बहुत अलग हो सकता है, जिससे दोनों पक्षों को समायोजन की आवश्यकता होती है। इस लाइन का अर्थ सिंपली ये है कि जो फूल है वो इतना इस मोमेंट में है कि उसको जो है तुम भूल नहीं सकते, उसकी जो प्रेजेंस है वो इतनी स्ट्रांग है। जब तुम एक ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंस में आते हो जिसके अंदर फूल की एक छाप है, उसको तुम भूल नहीं सकते, क्योंकि वो एक परफेक्ट एग्जांपल है नाउ एंड हेयर का, दिस वेरी मोमेंट का। इस मोमेंट में उसकी पूरी ऊर्जा जो है उपलब्ध है, और साथ में ये वो व्यक्ति है जो किसी परंपरा को फॉलो नहीं कर रहा, जो किसी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, जो कि बहुत स्पॉन्टेनियस है, जो कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अगर फादर डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर बन रहा है, कि अगर फादर वकील है तो वो भी वकील बन रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है कि हो सकता है कि फादर डॉक्टर हो और ये म्यूजिशियन हो, कि फादर डॉक्टर हो और ये हिप्पी हो, फादर डॉक्टर हो और ये म्यूजिशियन हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये परंपरा को फॉलो नहीं करेगा, ये उसको नहीं फॉलो करेगा जो उसके पास से आ रहा है, ये अपनी मूवमेंट को ये अपने भीतर देखेगा कि उसका क्या स्वभाव है, उसके लिए क्या चाहिए, कि उसका क्या मार्ग है, उसको जो है उद्घाटित करेगा, उसके ऊपर जो है वो चलेगा। यही फूल का होना है, इसलिए जो है उसको तुम भूल नहीं पाते, इसलिए जो है वो परंपरा के भी पार है। अक्सर फूल एक ऐसे साथी का प्रतीक होता है जो तुमसे बहुत बड़ा या छोटा होता है, चाहे जो भी अंतर हो, ये व्यक्ति तुम्हारी आंखें खोल सकता है और तुम्हें एक व्यापक दुनिया दिखा सकता है। अब इस चीज को थोड़ा समझने की बात है कि जिस व्यक्ति के भीतर जो है फूल की सोल, फूल की अगर आत्मा जो है जब झलकती है, जब भी तुम उस फूल को जो है जियोगे, तो तुम जो है अपने भीतर से जो है उम्र से जो है बहुत पार चले जाओगे, तुम्हें जो है किसी कैटेगरी में डालना जो है मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का व्यक्ति, चाहे वो छोटी उम्र का हो चाहे वो बड़ी उम्र का हो, जब भी तुम इस व्यक्ति के संपर्क में आओगे तो ये व्यक्ति जो है तुम्हें कुछ सिखा के जाएगा, ये व्यक्ति जो है तुम्हारी आंखें खोलेगा, ये व्यक्ति जो है तुम्हें सिखाएगा कि जीवन को कैसे जिया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही ये व्यक्ति जो है तुम्हारे संपर्क में आएगा, वैसे ही एकदम से बड़ा स्वाभाविक ढंग से तुम्हारे भीतर एक कंपैरिजन जो है वो उठ जाएगा कि इसके जीवन में एक फूल खिला हुआ, कि इसका जीवन मेरे जैसा नहीं है, इसके जीवन में जरूर कुछ अंतर है। उसका जीवन जो है तुम्हें प्रभावित करेगा, उसका जीवन जो है तुम्हें अपने आप की तरफ वापस जाने के लिए प्रेरित करेगा, तुम्हें अपने स्वभाव की तरफ वापस ले जाने के लिए कोशिश करेगा, कि तुम जानना चाहोगे तुम्हारा क्या स्वभाव है, कि तुम भी इस फूल की तरह खिलना चाहोगे। तो फिर चाहे वो व्यक्ति तुमसे उम्र में छोटा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, ये कुछ सिखा के जाता है, यही इस फूल की जो है स्पिरिट है। इस व्यक्ति का जीवन के प्रति उत्साह असीम होता है और ये ज्ञान और विचारों के प्रति भूखा होता है। उसके साथ तुम प्रेम के खेलपूर्ण पक्ष की खोज करते हो, क्योंकि ये व्यक्ति उत्सव में रहना पसंद करता है और साथ में तुम्हें हंसाता भी है। एक फूल जो है अपने भीतर जो है वो किसी भी तरह का उसके अंदर जो है बोझ नहीं है, बहुत हल्का है, हंसता खेलता और गाता। जब तुम इसकी प्रेजेंस में आते हो, जब तुम इसके करीब आते हो, तो तुम भी मुस्कुरा उठते हो, तुम भी हंस पड़ते हो, तुम भी जो है जीवन का जो बोझ है वो उतार के जो है साइड में रख देते हो, तुम भी जो है अपने जीवन को उस हल्केपन में जीना चाहते हो जिसमें फूल जीता है। फूल के अंदर एक सबसे बड़ी बात होती है, वो ज्ञान और विचारों के प्रति जो है भूखा होता है, जिसका अर्थ है कि वो सीखने के लिए सदा तत्पर है, कि अपने भीतर उसकी एक ऐसी स्थिति है कि वो हर वक्त सीखने के लिए तैयार है, 24 घंटे सीखने के लिए तैयार है।
फूल कभी भी एक ऐसी स्थिति में नहीं होता कि जब वो कहे कि उसने जो सीखना था वो सीख लिया। फूल सदा से जो है सीखने के लिए तत्पर है, नई संभावनाओं के लिए जो है खुला हुआ है कि जीवन जो है जैसे जैसे जो है आगे बदलेगा, जैसे जैसे जीवन जो है आगे जो है अपना रास्ता बदलेगा, वैसे ही जो है मूर्ख भी अपना रास्ता जो है बदलने के लिए तैयार होगा। मूर्ख भी जो है नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहेगा, जिसका क्या अर्थ है कि तुम्हें जीवन के प्रति जो है संवेदनशील रहना है, कि जीवन तुम्हें क्या सिखाना चाहता है उसके प्रति जो है कि हर वक्त उसके लिए तैयार रहना है। कभी भी ऐसी स्थिति में मत पहुंच जाना कि अगर तुम ये कह सको कि मैंने जो सीखना था वो सीख लिया। फूल की स्पिरिट हमेशा तुम्हारे साथ रहनी चाहिए कि तुम्हें तैयारी दिखानी चाहिए कि जो भी लाइफ सिखाने के लिए तैयार है, कि जो भी चेंजेस तुम्हारे लाइफ में आ रहे हैं उसको जो है स्वीकार भाव भीतर से होना चाहिए, और यही जो है तुम्हारी स्पिरिट को जो है अलाइव रखेगा, जिंदा रखेगा। इसी जीवन शैली को जो है फूल जी रहा है और वो तुम्हें भी प्रभावित कर रहा है। फिर फूल कार्ड कहता है, ये व्यक्ति जोखिम लेने वाला सहज और मजेदार होता है। वह कभी कभी थोड़ा अपरिचित हो सकता है, वह कभी कभी थोड़ा इमेच्योर हो सकता है और अभी भी दिल से बहुत हद तक एक बच्चा होता है, लेकिन उसे जानना रोमांचक होता है और उसमें एक बेफिक्र ऊर्जा होती है। एक फूल को, एक मूर्ख को जब तुम अपने दिल में हो, तुम्हें कोई इस बात की ज्यादा परवाह नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। एक फूल जो है अपने हृदय में इतना बसा हुआ है, वो अपने होने से इतना खुश है कि उसको इस बात की परवाह नहीं है कि तुम उसके बारे में क्या सोचोगे। तो ऊपर से वो एक इमेच्योर व्यक्ति लग सकता है और ऊपर से ऐसा लग सकता है कि वो अभी भी बच्चा है, लेकिन असल बात तो ये है कि उसने अपने भीतर के बच्चे को जो है जिंदा रखा हुआ है, उसने जो है अपने भीतर के बच्चे को जो है संभाल के रखा हुआ है। वो लाइफ में कोई इतना सीरियस नहीं हो गया है, वो लाइफ को जो है एक बहुत एक खेल की तरह देखता है, एक बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड की तरह देखता है, उसको इंजॉय करता है, उसको जो है बहुत गहराई से जीता है। इसलिए लग सकता है कि वो ऊपर से जो है वो इमेच्योर है, एक बच्चा है, लेकिन क्यों परवाह करनी इस बात की, अगर उसकी स्पिरिट जो है इतनी सुंदर है। ये स्पिरिट जो उसको प्रभु के साथ जो है हर वक्त संपर्क में रखती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग उसको बच्चा कहें या इमेच्योर कहें। अगर तुमने अपने जीवन को जो है एक सुंदर ढंग से जी लिया, इस ढंग से जी लिया कि जहां पे जो है तुम्हारे भीतर जो है खुशी ही खुशी हो जाए, तो कहीं ना कहीं तुमने अपने जीवन को सही ढंग से जी लिया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग जो है तुम्हें बच्चा कहें या तुम्हें जो है लोग इमेच्योर कहें। इंपॉर्टेंट यह है कि तुमने जो है उस जीवन को इस तरह से जिया कि तुम्हारे जीवन का फूल खिला, कि तुम्हारे आंख इतनी गहरी हो गई कि तुमने जो है जीवन की प्रॉब्लम्स को भी जो है सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर लिया, जीवन की बाधाओं को भी जो है अपॉर्चुनिटीज में बदल लिया। ये है फूल की ऊर्जा, ये है फूल की स्पिरिट। तो इस बात की परवाह मत करना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अपने पागलपन को जीना है, अपने होने को जीना है, फिर वो चाहे कुछ भी हो, फिर चाहे उसकी कुछ भी कीमत हो। जब तुम फूल के साथ होते हो तो तुम्हें एक महान स्वतंत्रता की भावना और ये महसूस होता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वह तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करता है, जो कि एक बहुत एक सुंदर बात है कि जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि तुम कितना फ्री हो, कि कितना स्वतंत्र हो तुम अपने भीतर, और जैसे ही तुम्हें अपनी फ्रीडम का जो है एहसास होता है, तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि जो तुम करना चाहो वो कर सकते हो, कि तुम्हारे भीतर जो है एक प्रभु बैठा हुआ है, कि इस अस्तित्व में जो भी तुम होना चाहते हो वो स्वतंत्रता जो है तुम्हें दी गई है, वो फ्रीडम तुम्हें दी गई है। इससे सुंदर बात और कुछ भी नहीं है, और स्वतंत्रता तुम्हारी इतनी परम है कि अगर तुम गिरना भी चाहो, कि अगर तुम बुरा आदमी बनना चाहो, उसकी भी जो है फ्रीडम जो है प्रभु तुम्हें देता है। प्रभु बोलता है कि तुम बुरा होना चाहते हो तो मैं उसके बीच में भी नहीं आऊंगा, इसकी भी स्वतंत्रता तुम्हें जो है वो तुम्हें देता है।
फिर तुम्हारे ऊपर चॉइस है, फिर तुम हिटलर होना चाहते हो हिटलर हो सकते हो, गांधी होना चाहते हो तो गांधी हो सकते हो, दोनों संभावनाएं जो हैं तुम्हारे भीतर है। फूल को इस स्वतंत्रता का जो है एहसास होता है, और ये एहसास जो है प्रभु के साथ जुड़ने का एक एहसास है कि तुम्हारे पास जो है तुम्हारी स्वतंत्रता जो है परम है। तुम चाहो तो हिमालय की पराकाष्ठा को छू सको, या फिर तुम चाहो तो नीचे गिरना चाहो तो पाताल से भी नीचे गिर जाओ, ये दोनों संभावनाएं जो है तुम्हारे साथ हैं, जो फूल के साथ हैं। अगर हम लव रिलेशनशिप्स वगैरह की बात करें तो फूल टैरो कार्ड अक्सर एक नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक होता है। जब तुम एक दूसरे को जानने और रिश्ते के विभिन्न पहलुओं को पता लगाने के लिए शुरुआती चरण में होते हो, तुम शायद थोड़ा डर भी महसूस करते हो, लेकिन ये प्रारंभिक डर और उत्सुकता तुम्हें आगे बढ़ने और ये जानने के लिए प्रेरित करती है कि रिश्ता किस दिशा में जा रहा है। फूल कार्ड हमें ये भी बोलता है कि शायद अभी तुम कमिटमेंट के लिए तैयार ना हो, भले ही अन्य लोग तुम पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अभी तुम जो है कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं। प्रेम जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कहीं ना कहीं कमिटमेंट की बात करते हैं, प्रेम में कमिटमेंट कैसे हो सकता? प्रेम में कोई कमिटमेंट जो है कोई ऊपर से थोड़ी ना डाली जा सकती है। प्रेम में तो कमिटमेंट जो है वो बहुत स्वाभाविक ढंग से घटती है, अगर प्रेम है तो। लेकिन हम अपने भीतर इतने इनसिक्योर हैं कि हम जो है फटाफट जो है दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेना चाहते हैं, पोजेस कर लेना चाहते हैं, उसको कंट्रोल कर लेना चाहते हैं। इसलिए वहां पे जो है हम बात शादी की करते हैं कि फटाफट शादी कर लें ताकि ये व्यक्ति कहीं और ना जा सके, किसी और के बारे में ना सोचे, उसको जो है एक लीगल वे से जो है उसको जो है पकड़ लेना चाहते हैं। जब हम फूल की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो है तुम इतने ज्यादा इस मोमेंट में होते हो कि तुम जो है दूसरे क्षण के बारे में नहीं सोच रहे होते, तुम ये नहीं सोच रहे होते कि इस व्यक्ति को क्या मैं कल भी प्रेम करूंगा, इस बात की चिंता नहीं होती है। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। फूल की कमिटमेंट जो है इस क्षण के प्रति है, अपनी ऑनेस्टी के प्रति है, अपनी ईमानदारी के प्रति है। फूल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो ईमानदार है इस मोमेंट में। जब वो दूसरे व्यक्ति को आई लव यू बोल रहा है तो वो इस क्षण की बात कर रहा है, वो दूसरे क्षण की बात नहीं कर रहा। फूल ये कह रहा है कि इस क्षण में जो है मैं तुम्हें पूरी तरह से प्रेम करता हूं, इस क्षण में मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। दूसरे क्षण का जो है वो कैसे वो तुम्हें कमिटमेंट दे देगा, दूसरे क्षण में क्या बदलेगा उसके हाथ में नहीं है, उसकी कमिटमेंट जो है इस क्षण के प्रति है। अगर तुम जो है ईमानदार होगे तो जब तुम अपने पार्टनर को आई लव यू बोलोगे, तुम कहीं ना कहीं साथ में उसको ये भी बात बोलोगे कि ये मोमेंट, इस मोमेंट में मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, नेक्स्ट मोमेंट मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं इस मोमेंट में जरूर जानता हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और अगर तुम उस क्षण में जो है गहरा चले गए तो फिर दूसरे क्षण की परवाह कौन करता है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ ये ही क्षण है, ये ही क्षण काफी है अपने आप में अगर तुम प्रेम में गहरा जाना चाहते हो। प्रेम का पूरा प्रोसेस वहीं कंप्लीट हो जाता है जब तुम उस क्षण में जो है पूरी तरह से प्रवेश कर जाते हो। इसलिए फूल की स्पिरिट को अगर जीना है तो तुम्हें जो है पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ेगा अपने इस मोमेंट के प्रति। तुम्हारी कमिटमेंट जो है दूसरे से नहीं है, तुम्हारी कमिटमेंट अपनी खुद के साथ है, अपने ट्रुथ के साथ है, अपने सत्य के साथ है। अगर तुम अपने सत्य के प्रति जो है कमिटमेंट रखते हो तो तुम उस व्यक्ति को असली प्रेम कर पाओगे, और वो व्यक्ति भी तुम्हें बाद में धन्यवाद देगा। अगर उस वक्त जो है किसी को तुम्हारे सच से जो है किसी को तकलीफ हुई, तुम्हारे सच से जो है किसी को जो है पीड़ा मिली, बाद में वही व्यक्ति जो है तुम्हें धन्यवाद देगा तुम्हारी ईमानदारी के कारण। तो फूल की स्पिरिट जो है वो एक बहुत मैजिकल स्पिरिट है जो इस मोमेंट में इतना मौजूद है, और इसी मोमेंट में जो है उसकी जो प्रेजेंस है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इस क्षण को जो है पूरी तरह से जी रहा है, और इसी क्षण से जो है प्रेम की उत्पत्ति हो रही है। जब तुम अपने सेंटर के साथ जुड़ जाते
तो प्रेम जो है बहुत स्वच्छंद तरीके से जो है तुमसे बहना शुरू हो जाता है। फिर तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं करनी पड़ती, फिर तुम्हें जो है अपने साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, फिर तुम्हारे लिए रिश्ते जो हैं कोई बंधन नहीं होते, फिर रिश्ते तुम्हारे लिए जो है एक सहजता होती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पे जानने की है कि यहां पे तुम जो है अपने आप की खोज में आए हो, अपने आप को खोजने के लिए आए हो। दूसरे का साथ जो है टेम्परेरी है, दूसरा कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो, चाहे वो तुम्हारे माता पिता हो, कोई भी हो, तुम्हारी मृत्यु में कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये सिर्फ जो है एक तरह का टेम्परेरी जो है तुम्हारे को साथ दिया गया है, जो तुम्हारे संसार में तुम्हें दिख सकता है, लेकिन तुम्हें हर क्षण जो है इस बात को याद रखना है कि तुम अकेले हो। अपने अकेलेपन को पूरी तरह से स्वीकार करने के बाद जब तुम्हारे भीतर का जो है जो प्रेम जो बहता है उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग होती है। उसके अंदर कंडीशनिंग नहीं होती, फिर उसके अंदर जो है तुम कंडीशंस नहीं लगाते कि मैं तुम्हें प्रेम इसलिए करूंगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि तुम मेरे माता हो, क्योंकि तुम मेरे पिता हो। नहीं, तब तुम्हारा स्वभाव जो है प्रेमपूर्ण हो जाता है। फिर बात कमिटमेंट की रह ही नहीं जाती, फिर फूल का जो स्वभाव है वो प्रेमपूर्ण ही हो जाता है। और उसी स्वभाव को तुम्हें भी जीना है, और उसी स्वभाव को तुम्हें दोबारा से डिस्कवर करना है अपने भीतर, उसी फूल की स्पिरिट को तुम्हें दोबारा से अपने भीतर जिंदा करना है। और क्योंकि फूल जो है इस क्षण में जी रहा है, अगले क्षण उसको जो है जिंदगी कौन सी दिशा में लेके जाएगी, क्या उसके लिए लाएगी, उसको खुद नहीं पता। और जैसा कि अभी हमने जाना कि फूल जो है सदा सीखने के लिए तत्पर है, सदा नए रास्तों पे जाने के लिए जो है तैयार है, जिसके कारण जो है उसके जीवन में बहुत सारी संभावनाएं और अवसर जो है प्रकट होंगे। फूल का रास्ता कोई जो है फिक्स पैटर्न नहीं है, फूल का रास्ता एक ऐसी संभावना है, एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फूल का खिलना कुछ ऐसा होगा जो बहुत यूनिक होगा, और जब तुम भी खिलोगे तो अपने ढंग से खिलोगे, बुद्ध की तरह नहीं, कृष्ण की तरह नहीं, राम की तरह नहीं, अपनी तरह, अपने खुद की तरह तुम खिलोगे। यही फूल तुम्हें प्रेरणा देता है। फिर ये कार्ड बोलता है, जब तुम अपने जीवन को फूल की तरह जीते हो तो तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का सीधा संबंध सार्वभौमिक ऊर्जा से होता है। ये तुम्हारे दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता की शक्ति को महसूस करने का अनुभव देता है। जीवन के उपहारों के प्रति एक नई युवा भावना और जागरूकता होती है। फूल नए अनुभवों की खोज में होता है, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे तुम पहली बार जीवन का अनुभव कर रहे हो। तुम अपने परिवेश को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हो, वर्तमान में गहराई से उपस्थित रहते हो, और अपने चारों ओर की दुनिया के चमत्कारों के लिए खुद को खोल देते हो। फूल ये भी दर्शाता है कि तुम आध्यात्मिकता के विभिन्न दृष्टिकोणों का अन्वेषण करना चाहते हो, ताकि ये देख सको ये तुम्हारे साथ कैसे मेल खाता है। इस अन्वेषण में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब तक तुम विभिन्न विकल्पों का पता लगा रहे हो, तब तक किसी एक ऐसी चीज में बहुत अधिक ना उलझो। फूल एक शक्तिशाली आवश्यकता को भी इंगित कर सकता है कि तुम आध्यात्मिकता के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। हालांकि तुम्हारे मित्र और परिवार ये नहीं समझ सकते कि ये आवश्यकता कहाँ से आ रही है, फिर भी तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। तो फूल के रास्ते पे जब तुम चलते हो तो तुम्हारे मित्र, रिश्तेदार, परिवार कोई तुम्हारा जो है सपोर्ट नहीं करता है। ये एक इंडिविजुअल की यात्रा है। यू विल बी लाइक अ ब्लैक शीप, कि इन सफेद भेड़ों के बीच में तुम एक काली भेड़ की तरह लगोगे। तुम्हारे को कोई पसंद नहीं करेगा, तुम्हारे को कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा, तुम अपने आप को इस यात्रा में बिल्कुल अकेले पाओगे। फूल को कुछ ऐसा दिख गया है, फूल को कुछ ऐसा अनुभव में आ गया है, फूल की एक ऐसी स्पिरिट जो है क्रिएट हो चुकी है, उसकी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जो है वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पे जो है वो किसी परिवार का कोई हिस्सा नहीं रह गया है, वो किसी परंपरा के साथ नहीं जुड़ा रह गया है। फूल जो है
अपने आप को डिस्कवर कर रहा है, फूल अपने आप को पहचान रहा है, फूल की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, फूल जो है अपने आप को जानने के रास्ते पे निकल चुका है। जब तुम इस रास्ते पे चलना शुरू करते हो तब तुम बिल्कुल एक इंडिविजुअल हो जाते हो। लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, इस यात्रा में तुम बिल्कुल अकेले हो। हाँ, कोई मिल जाए जो तुम्हें थोड़ा सपोर्ट करे वो सुंदर है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम अकेले हो, इस यात्रा को तुमने अकेले ही करना है। फिर फूल को अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तुम दूसरों की तुलना में अधिक दुर्घटना प्रवण हो सकते हो, इसलिए उच्च जोखिम वाली गतिविधियों में शामिल ना हो और अपने आसपास के खतरों के प्रति अधिक सतर्क रहो। उदाहरण के लिए प्रकृति की सुंदरता में खो जाने के कारण तुम ये भूल सकते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो और ठोकर खा सकते हो। फूल कार्ड ये भी सुझाव देता है कि तुम्हारा स्वभाव सुधार की ओर है। यदि तुम स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हो तो तुम्हें उन लोगों और संसाधनों को खोजने की संभावना है जिनसे तुम्हें पूर्ण स्वस्थ होने की दिशा के प्रगति के लिए आवश्यकता है। ये संभव है कि तुम्हें एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हो और शायद एक ऐसा उपहार आजमाना पड़े जो थोड़ा अजीब हो या जिसे पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया गया हो। सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है और ये तुम्हारे लिए अब आसानी से आनी चाहिए। फूल कार्ड को अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो एक फूल को अपने हेल्थ की जो है ज़्यादा चिंता नहीं होती। फूल के आगे की जो खाई है वो यही बताती है कि उसको आने वाले पल की इतनी चिंता नहीं है। फूल कोई इंश्योरेंस में जो है यकीन नहीं रखता, उसको कोई इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। कल को जब प्रकृति जब उसको बुला लेगी वापस, उसके लिए वो तैयार है। उसके लिए ये मोमेंट अपने आप में बहुत कम्प्लीट है। ऊपर से लग सकता है देखने पे कि फूल जो है एक बहुत ही केयरफ्री जीवन जी रहा है, लेकिन गहरे में एक गहरा डिसिप्लिन भी है उसके भीतर। वो डिसिप्लिन उसका नहीं है, वो प्रभु के कारण है, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है वो स्रोत के साथ जुड़ी हुई है और उस स्रोत के साथ जुड़ने के कारण कुछ भी गलत उसके जीवन में नहीं हो सकता, कुछ भी गड़बड़ उसके जीवन में नहीं हो सकती। कि अगर वो गिर भी जाए, कि वो उस पहाड़ी से अगर गिर भी जाए तो एक तरह की प्रोटेक्शन जो है सदा उसके साथ है, एक तरह की हेल्प हमेशा उसके साथ है। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में फूल को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके साथ एक परम स्वास्थ्य हमेशा उसके साथ है। शरीर का स्वास्थ्य इतना मैटर नहीं करता, तुम्हारे भीतर का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि तुम्हारे भीतर की स्थिति क्या है, कि भीतर से तुमने अपने आप को किस स्थिति में रखा हुआ है। अगर भीतर से तुम जो है सकारात्मक हो, भीतर से तुम जो है पॉजिटिव हो, तो बाहर का शरीर जो है इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बाहर का शरीर तो अपने आप ही पॉजिटिविटी उसके अंदर आ जाएगी, बाहर के शरीर में अपने आप ही वो स्वास्थ्य जो है अपने आप आ जाएगा। मेरे देखे स्वास्थ्य जो है भीतर की घटना है, कि अगर तुम भीतर से स्वस्थ हो तो बाहर स्वास्थ्य जो है अपने आप घटना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर तुम भीतर से स्वस्थ नहीं हो, भीतर से जो है अगर तुम कमजोर हो, तो बाहर का स्वास्थ्य घटना जो है कठिन हो जाता है। बाहर जो है तुमने अपने शरीर को हर तरह से प्रोटेक्शन दी हो, हर तरह से जो है संभाला हो, लेकिन अगर तुम भीतर से कमजोर, भीतर से अगर तुम्हारी फूल की स्पिरिट नहीं है, तो बाहर जो है बीमारियां लगना आसान हो जाता है। लेकिन उसी कंपेरिजन में अगर तुम जो है तुम्हारे अंदर जो है फूल की स्पिरिट है, तो वो एक फूल की स्पिरिट तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन देती है। वो प्रभु की ऊर्जा तुम्हें जो है स्वास्थ्य भी देती है, धन भी देती है, प्रोटेक्शन भी देती है, हर तरह से तुम्हारे को जो है हेल्प करती है। एक फूल जो है अपने आप में एक कंप्लीट घटना है। एक फूल होना अपने आप में जो है एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण घटना है। तो ये थी फूल की स्पिरिट, और इसी स्पिरिट को जो है तुम्हें भी अपने जीवन में उतारना है और क्षण क्षण में जो है उसको जीना है। इस वीडियो का अंत जो है मैं एक कहानी से करना चाहूँगा। ये कहानी है मौजू की। एक समय की बात है, एक आदमी था जिसका नाम था मौजू। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था और वहाँ एक छोटे अधिकारी के पद पर कार्यरत था।
ऐसा लगता था वह अपने जीवन के अंत तक वजन और माप के निरीक्षण के रूप में काम करेगा। एक दिन जब वह अपने घर के पास एक प्राचीन इमारत के बगीचे में टहल रहा था, तो उसे खिज्र नामक एक रहस्यमय मार्गदर्शक मिला, जो सूफियों का मार्गदर्शक था। खिज्र ने हरे रंग के चमकदार वस्त्र पहने हुए थे। खिज्र ने मौजू से कहा, उज्जवल भविष्य वाले व्यक्ति, अपना काम छोड़ दो और 3 दिन बाद नदी के किनारे मुझे मिलो। फिर वह गायब हो गया। मौजू ने डरते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि उसे नौकरी छोड़नी है। जल्दी ही पूरे कस्बे में ये बात फैल गई और लोग कहने लगे, बेचारा मौजू, वह पागल हो गया है। लेकिन चूंकि उसकी नौकरी के लिए कई उम्मीदवार थे, लोग उसे जल्द ही भूल गए। निर्धारित दिन पर मौजू ने खिज्र से मुलाकात की, जिसने उससे कहा, अपने कपड़े फाड़ दो और खुद को नदी में फेंक दो, शायद कोई तुम्हें बचा लेगा। मौजू ने ऐसा ही किया। भले ही उसे लगा कि वह पागल हो गया है, चूंकि वह तैरना जानता था, वह डूबा नहीं बल्कि दूर तक बह गया, जब तक कि एक मछुआरे ने उसे अपनी नाव में खींच नहीं लिया। मछुआरे ने कहा, मूर्ख आदमी, धारा बहुत तेज है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मौजू ने कहा, मुझे वास्तव में नहीं पता। मछुआरे ने कहा, तुम पागल हो, लेकिन मैं तुम्हें नदी के किनारे अपनी झोपड़ में ले जाऊंगा और हम देखेंगे कि तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है। जब मछुआरे ने देखा कि मौजू पढ़ा लिखा है, तो उसने उससे पढ़ना और लिखना सीखा। बदले में मौजू को भोजन दिया गया और उसने मछुआरे के काम में मदद की। कुछ महीनों के बाद खिज्र फिर से मौजू के बिस्तर के पास प्रकट हुआ और कहा, अब उठो और इस मछुआरे को छोड़ दो, तुम्हारे लिए प्रबंध किया जाएगा। मौजू ने तुरंत झोपड़ी छोड़ दी, मछुआरे के कपड़े पहने हुए और भटकते हुए एक राजमार्ग पर पहुंच गया। जैसे ही सुबह हो रही थी, उसने एक किसान को गधे पर बाजार जाते देखा। किसान ने पूछा, क्या तुम काम की तलाश में हो? क्योंकि मुझे कुछ खरीदारी लाने के लिए एक आदमी की जरूरत है। मौजू ने उसका अनुसरण किया। उसने लगभग 2 साल तक किसान के लिए काम किया। इस दौरान उसने कृषि के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन और कुछ नहीं। एक दोपहर जब वह ऊन की गांठें बांध रहा था, खिज्र फिर से प्रकट हुआ और कहा, इस काम को छोड़ दो, मोसुल शहर जाओ और अपनी बचत का उपयोग करके चमड़े का व्यापारी बनो। मौजू ने ऐसा ही किया। मोसुल में वह चमड़े का व्यापारी बन गया और 3 साल तक व्यापार करते हुए उसने खिज्र को नहीं देखा। उसने काफी बड़ी रकम बचा ली थी और एक घर खरीदने की सोच रहा था। जब खिज्र प्रकट हुआ और कहा, अपना पैसा मुझे दे दो, इस शहर से बाहर निकलो और दूर समरकंद जाओ, वहां एक किराने की दुकान में काम करो। मौजू ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे मौजू ने ज्ञान के गहरे संकेत दिखाने शुरू किए। उसने बीमारों को ठीक किया, अपने खाली समय में अपने साथी मनुष्यों की सेवा की और रहस्यों का उसका ज्ञान गहरा होता गया। विद्वान, दार्शनिक और अन्य लोग उससे मिलने आए और पूछा, तुमने किसके अधीन अध्ययन किया? मौजू ने कहा, ये कहना मुश्किल है। उसके शिष्यों ने पूछा, तुमने अपना करियर कैसे शुरू किया? उसने कहा, एक छोटे अधिकारी के रूप में। और तुमने आत्मत्याग के लिए इसे छोड़ दिया? नहीं, मैंने बस इसे छोड़ दिया, वह उसे समझ नहीं पाए। लोगों ने उससे उसकी जीवन कहानी लिखने के लिए संपर्क किया। उन्होंने कहा, तुमने अपने जीवन में क्या किया है? उसने कहा, मैंने नदी में छलांग लगाई, मछुआरा बना, फिर आधी रात को उसकी झोपड़ी से बाहर निकल गया। उसके बाद मैं एक किसान बना। जब मैं ऊन की गांठें बांध रहा था, मैंने बदलकर मौसम में चमड़े का व्यापारी बन गया। मैंने वहाँ कुछ पैसे बचाए, लेकिन उन्हें दे दिया। फिर मैं समरकंद चला गया, जहाँ मैंने एक किराए की दुकान में काम किया और अब मैं यहाँ हूँ। लेकिन ये अजीब व्यवहार तुम्हारे अद्भुत उपहारों और उपहारणों पर कोई प्रकाश नहीं डालता, जीवनकारों ने कहा। ये सच है, मौजू ने कहा। इस प्रकार जीवनकारों ने मौजू के लिए एक अद्भुत और रोमांचकारी कहानी बनाई, क्योंकि सभी संतों की अपनी कहानी होनी चाहिए और कहानी श्रोताओं की भूख के अनुसार होनी चाहिए, ना कि जीवन की वास्तविकताओं के अनुसार। और किसी को भी खिज्र के बारे में सीधा बात करने की अनुमति नहीं है, इसलिए ये कहानी सच नहीं है।
ये एक जीवन का प्रतिनिधित्व है, ये सबसे महान सूफियों में से एक का वास्तविक जीवन है। ये कहानी थी मौजू की। मौजू की जिंदगी कुछ ऐसी थी जो कि क्षण के साथ जो है जो जीने के लिए तैयार था, जिसने अपना जीवन जो है एक फूल की तरह अपना जीवन जो है जिया, एक मूर्ख की तरह अपना जीवन जिया। लोग उसको पागल कहते रहे, लोग उसको दीवाना कहते रहे, लोग उसको जो है कभी नहीं समझ पाए, लेकिन उसके भीतर की एक ताकत जो है उसका मार्गदर्शन कर रही थी, उसको रास्ता दिखा रही थी। उसको पता नहीं था कि अगले क्षण में क्या आने वाला है, अगले क्षण में क्या होने वाला है। वो उस सब के लिए तैयार था। कि प्रभु बोलता था कि पानी में कूद जा, तो पानी में कूदने के लिए तैयार था। कि प्रभु बोलता था कि अब तूने जो धन कमा लिया तो मुझे दे दे, वो उसको धन को देने के लिए तैयार था। कि प्रभु बोलता था कि अब ये छोड़ दे तो वो ये छोड़ देता था। प्रभु बोलता था कि अब इस शहर से दूसरे शहर में चले जा तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाता था। वो सिंपली जो है अपने भीतर के जीवन को जी रहा था, और इस भीतर के जीवन को जीना ही जो है फूल के जीवन को जो है दर्शाता है। तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि अगर आपने इतना लंबा वीडियो जो है अगर आप देख सके और इस अंत तक जो है पहुँच सके, इसका ये भी अर्थ है कि तुम अपने भीतर जो है उस फूल को जो है जीना चाहते हो, उस फूल में गहरा जाना चाहते हो, उस प्रकाश के साथ जो है जुड़ना चाहते हो। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ।